एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए किशोरी लाल शर्मा जी, किशोरी जी यहां आइए, ये आपके लिए, ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने, आप सुनिए अच्छी तरह सुनिए, इनके साथ पापा ने, मेरे पिताजी ने 150 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। सुनिए सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, 100, क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं आपसे, 150 राजीव गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, ठीक है, उसमें किशोरीलाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग अलग लोग थे। किशोरी जी अमेठी में काम किए, आपके लिए काम किए, मगर अगर आप उन बाकी कोऑर्डिनेटर्स को देखो तो कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बना, कोई मंत्री बना, कोई एमएलए बना, अलग 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 स्टेट्स में ये सारे के सारे लोग, कहीं एमपी बने, कहीं एमएलए बने, कहीं पीसीसी प्रेसिडेंट बने, इन्होंने स्टेट चलाए, मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं, इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है, आप इनको एमपी बनाइए, ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे, इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है, अहंकार से नुकसान होता है, अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, इनमें इतना से भी सा भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं, ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे, मगर ये भी कहना पड़ेगा, ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के होगा, वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी।